टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की सिलेक्शन की प्रॉब्लम का नहीं हो रहा है अंत। टीम इंडिया के प्लेइंग 11 के सिलेक्शन की प्रॉब्लम का नहीं हो रहा है अंत। T20 वर्ल्ड कप में कौन बाजी मारेगा, डीके या फिर ऋषभ पंत? हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू स्पोर्ट्स नेस्ट, मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। आप जानते हैं कि सारे ही प्लेयर्स के ऊपर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि भाई प्लेइंग 11 में किस किस को मौका मिलेगा, लेकिन उन सारे प्लेयर्स में से दो ऐसे हमारे चमचमाते हुए सितारे हैं, एक का नाम है ऋषभ पंत और दूसरे हमारे मिस्टर फिनिशर ही बोलेंगे या मिस्टर परफेक्शनिस्ट ही बोलेंगे, उनको दिनेश कार्तिक। दोनों के ऊपर संशय बना हुआ है कि भाई किसको मौका मिलेगा प्लेइंग 11 में, दोनों के आंकड़े क्या कुछ कहते हैं, तो इस वीडियो में आपको सारी की सारी जानकारी देंगे, क्योंकि आप जानते हैं स्पोर्ट्स नेस्ट हमेशा स्टैट्स पर बातें करता है। हम जो है हवाबाजी नहीं करेंगे कि भाई ऋषभ पंत को खिला लो या डीके को खिला लो, ये फेवरेट है ये फेवरेट है, इस पर नहीं जाएंगे, लेकिन स्टैट्स पर जाएंगे और आपको स्टैट्स के माध्यम से समझाएंगे कि किसको मौका मिलना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि शायद आपके मन में भी यही क्वेश्चन यही कंफ्यूजन होगा कि भाई किसको मौका मिलेगा, कौन किससे बढ़कर है, कौन कितना बेहतर है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आईसीसी T20 विश्व कप 2022 के लिए BCCI ने भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले इस T20 विश्व कप में टीम की अगुवाई रोहित शर्मा करेंगे। टीम में जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल की भी वापसी हुई है और इन सब खिलाड़ियों से ज्यादा चर्चा दो नामों पर है, ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक, क्योंकि ऋषभ पंत के साथ साथ दिनेश कार्तिक को भी विकेट कीपर के रूप में टीम इंडिया में शामिल किया गया है। अब इन दोनों खिलाड़ियों पर बात करने से पहले एशिया कप की बात करना भी जरूरी है, क्योंकि भारतीय टीम के लिए एशिया कप 2022 T20 टूर्नामेंट बेहद ही खराब गुजरा। ग्रुप स्टेज में दोनों मुकाबले जीतने के बाद टीम इंडिया सुपर फोर राउंड में दो मैच हारकर फाइनल की रेस से बिल्कुल बाहर हो गई थी। सबसे ज्यादा 7 बार की चैंपियन टीम इंडिया को पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ सुपर फोर राउंड में हार का सामना करना पड़ा। हार के बाद टीम कॉम्बिनेशन को लेकर काफी ज्यादा सवाल भी उठे। शुरुआती कुछ मैचों में दिनेश कार्तिक को मौका दिया गया, वहीं सुपर फोर राउंड में कार्तिक को बाहर कर ऋषभ पंत को मौका दिया गया। कप्तान रोहित शर्मा और टीम मैनेजमेंट के इस फैसले की काफी ज्यादा आलोचना भी हुई, जिसमें फॉर्मर क्रिकेटर्स भी शामिल थे। हालांकि अब भी टीम मैनेजमेंट ये फैसला नहीं कर सका है कि T20 वर्ल्ड कप को देखते हुए किसे प्लेइंग 11 में मौका दिया जाना चाहिए, दोनों एक साथ प्लेइंग 11 में चुने भी जाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तो चलिए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कार्तिक और पंत के कुछ आंकड़ों पर। दिनेश कार्तिक ने की है धमाकेदार वापसी। दिनेश कार्तिक भारतीय टीम में सबसे पुराने T20 खिलाड़ियों में से एक हैं, क्योंकि जब टीम इंडिया ने अपना पहला T20 मैच खेला था तब दिनेश कार्तिक उस वक्त टीम का हिस्सा थे। लंबे अरसे से वो टीम इंडिया में वापसी का रास्ता तलाश रहे थे, जो IPL ने उनके लिए आसान कर दिया। दिनेश कार्तिक की भारतीय टीम में वापसी IPL के प्रदर्शन के आधार पर ही हुई थी। इससे पहले जिस तरह से उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ निधास ट्रॉफी भारत को जिताई थी, वहां से भारतीय कप्तान को उनमें विश्वास जगा। अगर लास्ट IPL सीजन की बात करें तो उन्होंने RCB के लिए खेलते हुए शानदार तरीके से फिनिशर का रोल निभाया था। दिनेश कार्तिक ने भारत के लिए 50 T20 मैच खेले हैं, जिसमें से उन्होंने 592 रन बनाए हैं। 139.95 का उनका स्ट्राइक रेट रहा है और उन्होंने एक अर्धशतक भी जड़ा है। दिनेश कार्तिक ने इंटरनेशनल T20 में अब तक 21 छक्के मारे हैं। कार्तिक का सर्वाधिक स्कोर 55 रहा है। T20I में नहीं दिखा ऋषभ का जलवा। ऋषभ पंत ने टेस्ट और वनडे में अपना खौफ बॉलर्स के दिलों पर बैठाया है, लेकिन T20 में अभी तक उनका वैसा खौफ नहीं बैठ पाया है। हालांकि उन्होंने भारत के लिए 50 से ज्यादा T20 मैच खेले हैं। ऋषभ पंत ने दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी करते हुए IPL 2022 में 14 मैच खेले, जिसमें से उन्होंने 344 रन बनाए हैं। इस सीजन में पंत का स्ट्राइक रेट 151.79 का रहा, जबकि उनका सर्वाधिक स्कोर 44 रहा और इस दौरान उन्होंने 16 छक्के भी लगाए हैं।
ऋषभ पंत ने भारत के लिए अब तक 58 अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैच खेले हैं, जिसमें से उन्होंने 934 रन बनाए हैं। इस दौरान पंत ने 35 छक्के भी मारे हैं और उनका स्ट्राइक रेट 126.39 का रहा है, जबकि ऋषभ पंत ने अब तक 3 अर्धशतक लगाए हैं और उनका सर्वाधिक स्कोर 65 का रहा है। भारत की मध्य क्रम की बल्लेबाजी टीम प्रबंधन के लिए चिंता का विषय बनी है। रविंद्र जडेजा के चोटिल होने से ये समस्या और ज्यादा बढ़ गई है। जडेजा चोट के कारण एशिया कप टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे और अब वह टी20 वर्ल्ड कप से भी बाहर हो चुके हैं। ऐसे में भारतीय टीम के लिए मध्य क्रम में किसी बाएं हाथ के बल्लेबाज की जरूरत पड़ेगी। अब ये देखने वाली बात होगी कि चयनकर्ता किसे मौका देंगे, दिनेश कार्तिक या ऋषभ पंत को। तो देखा आपने, ये कुछ स्टैट्स थे ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक के। अब देखिए, हमारा काम तो यहीं तक था आपको समझाने का, अब आपका काम शुरू होता है हमें बताने का कि आपके हिसाब से आप अपनी जो 11 अगर बनाना चाहेंगे या बनाएंगे तो किसको शामिल करेंगे, ऋषभ पंत को या फिर दिनेश कार्तिक को, कमेंट्स के जरिए मुझे जरूर बताएं। और साथ ही साथ हमेशा की तरह अगर आपने अभी तक स्पोर्ट्स नेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो क्या कर रहे हैं यार, आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।